मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं उस लड़की को अंजू समझकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। कौन अंजू? कहाँ मिली तुम्हें? अंजू मुझे शिमला में मिली। 3 दिन पहले उसे अचानक बॉम्बे आना पड़ा, तो वो मेरा नाम खात और कार्ड छोड़ गई। अच्छा, जब मैं यहाँ पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो 3 साल पहले मर चुकी थी। कमाल है, जिस लड़की को तुम 3 दिन पहले शिमला मिले, यहाँ आने के बाद पता चलता है कि वो 3 साल पहले मर चुकी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने अभी भी उसे वहां देखा था। आई सी। और कौन रहता है उसके घर में? उसके बूढ़े पिता है। बूढ़े पिता? तो मेरे काम करते हैं विजय, उसके बूढ़े पिता से जाके मिलते हैं और उससे पता करते हैं कि आखिरी चक्कर क्या। अरे तू फिर आ गया? ये वो शहर है जहां सस्ता खून और महंगा पानी है। अपनी प्यास बुझाने का है तो अपने आंसू से बुझा। आंसू पी और जी, या फिर यादों की भूल भुलैया में अपनी वीरान मोहब्बत का काला ताजमहल बना। आगरा जा आगरा। कौन जी? मैं विजय। विजय सर। देखो विजय, मैं तुम्हें एक बार बता चुका हूं कि अंजू अभी दुनिया में नहीं रही, फिर क्यों बार बार तुम मेरे जख्मों को कुरेदने चले आते हो? जी मैं अब मुझे कुछ नहीं सुनना। एक मिनट दीनानाथ जी। ये क्या है? मैं जैन माथुर, सीबीआई ऑफिसर। मुझे आपसे चंद सवालात करने हैं। क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए। आप? मैं दीनानाथ, अंजू का बदनसीब पिता। क्या आप बता सकते हैं कि अंजू का स्वर्गवास कब? 3 साल हो गए। तू ना जाते वहां खंडाला में उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। पर कब? 13 अगस्त 1988 खंडाला से उसकी लाश लाई गई यहां जे अस्पताल में। 12:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद मुझे लाश मिली और 7:30 बजे शाम को इन्हीं हाथों से मैंने उसका अंतिम संस्कार किया। अब बोलिए, और कुछ पूछना चाहते हैं आप? देखिए दीनानाथ जी, हमें आपके दुखों का पूरी तरह एहसास है, लेकिन हम पुलिस वाले बिना सबूत के विश्वास नहीं करते ना किसी पे। यही कहना चाहते हैं ना आप? 1 मिनट। अंजू का डेथ सर्टिफिकेट, ये अखबारों की कतरने और ये एक्सीडेंट का फोटो। अब तो यकीन आया आपको? दीनानाथ जी, आपके इन सारे सबूतों से साफ जाहिर है कि अंजू को मरे हुए 3 साल हो गए, लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसकी कोई जुड़वा बहन हो? मेरी कोई दूसरी औलाद नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा तो बस एक ही सहारा थी अंजू, उसे भी इस निर्दयी भगवान ने मुझसे छीन लिया। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि बार बार अंजू के सवाल करके मेरे इस बूढ़े की बची कुची सांसों को अजीर्ण मत बनाइए। लेकिन दीनानाथ जी, बात ऐसी है कि देखिए विजय बाबू, जो लड़की आपको शिमला में मिली थी कोई और होगी, अंजू तो चली गई, मुझे अकेला छोड़ के चली गई। अगर वो ये चाहती कि मैं अकेला रहूं तो रहने दो मुझे अकेला। जाइए आप, छोड़िए मेरा पीछा, जाइए, चले जाइए आप। तुम्हें अभी यकीन है विजय के वंजू ही थी? कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या यकीन करूं, अपनी आंखों का या इनकी बातों का। अरे पहले मैं बोला था तो नहीं समझा? समझ समझ कर समझ समझना, समझ समझना भी एक समझ है, ना समझे वो अनारी है। राज कपूर बेगानों के शहर में भटक रहे हैं। अरे इधर सब बेगाने, कोई हमदर्द नहीं है। आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप, काला नाक।
फंसेगा तो पानी भी नसीब नहीं होगा।